खबर छुपी लाई आपकी खबर तेज ऐसा। नेपाल के पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंडक नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज के बाद जनपद के अंतर्राष्ट्रीय बंधों पर जहां दबाव बढ़ गया है, वहीं नदी के रौद्र रूप में जनपद के निचलौल तहसील के 3 गांव सोगी बरवा भोताही में जबरदस्त तबाही मचाई है। इन गांवों में पानी घुसने से जहां आमजन को भारी दिक्कतें हो रही हैं, तो मवेशियों की जान आफत में है। यहां के बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बाढ़ के पानी में घिरे गांव में मरे व्यक्ति के शव को पानी के बीच जान जोखिम में डालकर ले जाते ये ग्रामीण नेपाल बिहार और कुशीनगर सीमा से सटे महाराजगंज जनपद के पूर्वोत्तर इलाका सोगी बरवा का है। गंडक नदी में 4 लाख क्यूसेक मीटर पानी डिस्चार्ज होने के बाद नदी में इन जगहों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों में पानी भरने के बाद लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मवेशी लापता हुए हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ बाढ़ पीड़ितों की कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है। लोगों की परेशानी उन्हीं की जुबानी सुनिए। आजादी के 75 वर्ष बाद भी महाराजगंज जनपद का ग्राम पंचायत सोगी बरवा शिकारपुर भोथा आज भी बाढ़ से विविधता के कारण लाखों एकड़ जमीन हर साल जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, किंतु प्रशासन से बार बार निवेदन करने के बाद भी न तो इस ग्राम पंचायत को संपर्क मार्ग से जोड़ा गया और न ही इसको बाढ़ से बचाने जाने का कोई सार्थक प्रयास किया गया। मैं शासन प्रशासन के तरफ से ये आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ, साथ में जनता की तरफ से ये आह्वान भी करता हूँ और एक चेतावनी भी देता हूँ कि विगत अगर 6 माह के अंदर इस ग्राम पंचायतों को संपर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य नहीं किया गया तो बहुत बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा और जिसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बाढ़ के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य के लिए SDM को भेजा गया है। गंडक नदी का जल स्तर बढ़ गया है, लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है। नदी पर लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, क्या है पूरा मामला? सोगी बरवा प्रभावित हुआ है। गंडक नदी में कल 8 बजे का जो जल स्तर था वो 4,28,000 पानी का था और आज वो घटकर 3,28,000 रह गया है। इस वजह से हमारे सोगी बरवा क्षेत्र में 3 गांव में जल प्लावन की स्थिति आ गई। अभी भी जल अभी भी भरा हुआ है। वहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य के लिए SDF को भेजा गया है, वो तत्काल पहुँचने वाले। वहाँ के लोगों से वार्ता की गई है, NDRF की टीम को सक्रिय किया गया है, पुलिस चौकी पुलिस थाना जो है वहाँ पे वो लोग बचाव एवं राहत का कार्य कर रहे हैं। और सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि अपने घरों में ही रहें, वहाँ पे राहत की सामग्री आपको तत्काल मुहैया कराई जाएगी। सब लोग बाढ़ से बच के रहें, बाढ़ के साथ साथ हम लोगों को COVID-19 के संक्रमण से भी बचना है, उसके लिए भी तैयारी अपनी मजबूत रखें, मास्क जरूर पहने और अपने साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सर क्या स्थिति है सोगी बरवा गाँव की? अभी चारों तरफ से बाढ़ की क्या स्थिति है सर? अभी जल वहाँ पे भरा हुआ है जिसके वजह से लोग ऊंचे वाले स्थान पे आ गए हैं, अपने छतों पर, तो लोगों को बचने की जरूरत है और वहाँ पे राहत कराया। खबर UP लाइव के लिए मनोज चतुर्वेदी की रिपोर्ट।